अवस्थापना निधि की बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जीडीए वीसी अनु सिंह, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अवस्थापना निधि के तहत विकास प्राधिकरण, नगर निगम व आवास विकास द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई तथा अवस्थापना मद में आए हुए धनराशि में रामगढ़ ताल के जलकुंभी निकासी सहित सुंदरीकरण, नाला तथा रोड निर्माण कार्य सहित विभिन्न कार्यों को गुणवत्ता युक्त कराया जाना का निर्देश दिया गया। अच्छा, मतलब इन तीनों लोगों को आपको देना है? ये रामगढ़ ताल वाला है? रामगढ़ ताल के मेंटेनेंस के लिए सर। अब इससे पहले ये बताइए, जो 807 लाख आपने प्रस्तावित किया, इसका एस्टीमेट कहाँ, मतलब इसका फ्रैक्शन कहाँ है? मतलब मुझे दीजिए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा इसका। सर आप मिसाल को, आप सर को बस ये बता दीजिए कि जो एसटीपी था उसका ईयरली कितना आपने प्रपोज किया था, कितना विभागों के बीच में एमओयू हुआ था, कितना मतलब कितना आप और किसने कितना रहा बैकग्राउंड नहीं बताया। कोई प्रोडक्शन की रिकरिंग कॉस्ट शेयर करेंगे ये बात कर, प्लस कुछ एंसिलरी कॉस्ट होगी क्लीनिंग क्लीनिंग की, वो होगा वही होता है। ओके, सो 807 लाख का खर्चा किस किस में क्या है वो कहीं है? अभी इनको सर कुछ पैसे तो मिलेंगे, ऐसा नहीं सर आप और दिया है। आप सर कैसे कह रहे हैं? आप कि आवास विकास परिषद को एमओए के हिसाब से पर एनम ये देना था सर, ये अमाउंट अभी तक इन्होंने कुछ भी रिलीज नहीं किया है। तो इनका आपको दे दिया सर, इसको ना दे दिया अभी आप लोगों का सर। ओके, सो जीडीए को 12 करोड़ देना था, जीडीए ने 7.5 करोड़ दिया, 12.5 के साथ 7.5 दिया। नगर निगम ने 12.4 करोड़ के साथ 9.1 करोड़ दिया और आवास विकास बैलेंस है, अमाउंट बैलेंस है। अच्छा दिया ये 503 ओ, तो आप और 807 का जो आपका इस जो खर्चा है वो आप क्या क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, डीजल, वो अभी एसटीपी तो धन आप कर रहे हैं, दिसंबर के बाद जैसा जो है अब स्टेट गवर्नमेंट का पेमेंट होगा सर। कौन करेगा? वही से